नमस्कार, मेरा नाम है गौरव वालिया और अभी हम लोग हैं हीरो गायब मोड ऑन के सेट पे और इस सीरियल में मैं प्ले कर रहा हूँ व्योम और आज हम आपको दिखाएंगे कि गौरव वालिया व्योम में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। आइए और अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं एलियन वर्ल्ड में जहाँ हमारा स्पेसशिप का सेट बना हुआ है और मेकअप रूम में जाने से पहले हम लोग वो सेट बीच में आएगा तो हम लोग देखते हैं वो सेट को। आइए स्पेसशिप में चलते हैं। अब हम आ गए हैं स्पेसशिप के सेट पर और इसी स्पेसशिप में बैठकर हम एलियंस पहुंच गए हैं पृथ्वी तक। तो ये देखिए, ये है हमारी स्पेसशिप। आइए, ये है पूरा स्पेसशिप का सेट जहां पर हम शूट करते हैं। एक बार आप पैन करके देखेंगे तो यहां से स्टार्ट करिए। हाँ, ये पूरा शुक्राचार्य का स्थान ये रहा। अब ये स्थान जो है ये शुक्राचार्य का स्थान है, वो यहीं पर आते हैं, उसके बाद वो पूरे सेट पे कहीं पर भी चले जाते हैं, उनके पास इतनी पावर्स हैं। और ये है हमारा स्टेज। ये है मेरी कॉस्ट्यूम, ये है फैज दादा जो मुझे ट्रांसफॉर्म करते हैं व्योम में रोज, जिसमें लगते हैं हमें 2 घंटे। और व्योम में ट्रांसफॉर्म होने के लिए सबसे पहले मुझे पहनना पड़ता है लेंस, तो आइए दिखाता हूँ कि लेंस कैसे पहना जाता है। लेंस लग चुका है, अब मुझे कॉस्ट्यूम का एक पार्ट पहनना पड़ेगा क्योंकि मास्क लग जाएगा तो वो मैं पहन नहीं सकता, तो वो मुझे पहनना पड़ेगा, तो वो पहनने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो ये मैंने अपना कॉस्ट्यूम का एक पार्ट पहन लिया है, ये जैकेट और ये बाद में पहना जाएगा जो आपने देखा होगा मुझे व्योम के करेक्टर में। और अब शुरू करते हैं गेटअप। तो ये देखिए हमारा मास्क प्रिपेयर हो रहा है, यही बाद में हम लोग पहन कर इसको चिपकाते हैं, इसको पूरा इसी गेटअप में आते हैं। तो ये देखिए, ये है मास्क जो अभी हमें पहनना है, इनफैक्ट मुझे पहनना है और दादा पहनाएंगे। तो लाइजा एक मिनट, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है सिलिकॉन मास्क। इसको प्रिपेयर करने के लिए मेकर्स को कम से कम 4 महीना लगा। ये देखिए, ये मेरे ऐसे पूरे सर पे आ जाएगा, अभी आपको पूरा मेकिंग में दिखेगा। ये देखिए, ये मास्क है, ये सिलिकॉन का है। तो मेकर्स ने कम से कम मार्च से वो लगे हुए थे कि कैसा गेटअप होगा, क्या होगा, और अब जाके वो फाइनली अक्टूबर में जब उन्होंने ये फाइनली एक टच दिया कि हमारा व्योम ऐसा दिखेगा। बहुत बहुत मेहनत है इसके पीछे मेकर्स की, कितना इमेजिनेशन में जाना पड़ा होगा, कितना इमेजिन करना पड़ा होगा उन्हें ये गेटअप लाने के लिए, ये लेंस वाला गेटअप लाने के लिए। तो आप समझिए और थोड़ा स्टार्ट करें। ये गेटअप में आने के लिए मुझे कम से कम 2 घंटा लगता है पूरा, उसके बाद कॉस्ट्यूम पहनना अनदर 10 मिनट्स और तब जाके व्योम रेडी होता है। तो अब सब दादा के हाथ में है, चाहे वो स्क्रिप्ट मेरे पास है। और हाँ, व्योम के कैरेक्टर के बारे में मैं आपसे अभी बात करता हूँ जब ये चलता रहेगा। दादा शुरू करिए। दादा ने मास्क पहना दिया है, अब इनको अलाइन करना पड़ेगा मेरे फेस के हिसाब से, जहां जहां का कट है। ये कान है तो ये कान पूरा फिक्स आना चाहिए, ये पूरा अलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ये गम से चिपकाएंगे। ये यहां तक है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा पीछे मेरे नेक तक आ रहा है, ये चिप तक और ये नोज तक। और ये जो भी पूरा खाली हिस्सा है यहाँ पर नेक का, ये पूरा पेंट करते हैं, वो भी आगे आप दिखाएंगे आपको। तो अब गम लगाने के बाद ये पहले सुखाएंगे ताकि वो अच्छे से प्लेस हो जाए और चिपक जाए, बार बार निकले नहीं। तो ये वो प्रोसीजर है, तो पहले गम लगता है फिर ये उससे उसको सुखाते हैं। अब गम ड्राई हो चुका है और दादा चिपकाएंगे। छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं इसमें, कि अगर नाक पे चिपका रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। तो ये देखिए, इनको ऐसे स्टिक करना पड़ता है ताकि पूरा अच्छे से नाक पे चिपक जाए।
फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जब तक फिनिशिंग नहीं आएगी तो आपको भी उतना देखने में लगेगा कि अरे ये गेटअप अच्छा नहीं आया, वैसा नहीं आया। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इसमें। जैसा मैंने आपको बताया, 2 घंटा लगता है ये पूरे गेटअप में, और जब इसको निकालते हैं तो उसके अंदर कम से कम 40 to 45 मिनट्स लगता है पूरा रिमूव करने में, क्योंकि ये तो चिपक गया, ये निकल जाएगा, लेकिन जो पूरा पेंट लगेगा मुंह पे वो हम लोग को एक एक करके दादा उसमें हेल्प करते हैं मुझे पूछने के लिए, ऑयल से रिमूव करना पड़ता है, फिर गम रिमूव करना पड़ता है, और उसके बाद जो प्रोसेस है मतलब एज एन एक्टर मुझे स्टीम लेनी पड़ती है उसके लिए, ताकि पोर्स खुल जाएं, जो भी पेंट है वो स्किन में गया हो वो पोर्स पूरे ओपन हो जाए। तो ये पूरा प्रोसीजर मुझे टोटल इन ऑल इन ऑल 3 घंटे का प्रोसीजर है ये, जिसमें 2 घंटा गेटअप लगाने में और 1 घंटा रिमूव करने में। अब देखिए दूसरे साइड का लग रहा है, इस साइड का अच्छे से स्टिक हो गया है। अब ये वाले साइड का अब देखिए नेक का चिपकाने के बाद लास्ट है चिन मेरे का, ये देखिए ये चिन है, और ये अलग से यहाँ पर लगती है। ये भी सेम सिलिकॉन की ही बनी हुई है, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि चिन ढंग से चिपक नहीं पाएगी। नहीं तो देखिए ये छिन को अच्छे से चिपकाने के लिए मुझे मूवमेंट करना पड़ता है, ताकि डायलॉग्स बोलते हुए ये छिन निकले नहीं, अच्छे से चिपक जाए। तो अब ये पूरा मास्क के साथ में छिन लग चुकी है, पूरा अच्छे से स्टिक हो चुका है। अब हम करेंगे पेंट, तो दादा पेंट स्टार्ट करें। तो अब देखिए पूरा मास्क और छिन सब चिपक चुका है अच्छे से, ये देखिए। और अब हम लोग करेंगे फेस पेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फेस पेंट। जो 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 आपको मेरी स्किन दिख रहे हैं नेक तक, थोड़ा यहाँ से आए, ये पूरा पेंट होगा अभी इसी कलर में, तो वो देखते हैं अभी। चलिए दादा शुरू करिए, ये देखिए। फेस के साथ साथ मास्क को भी मैच करना पड़ता है पेंट में, नहीं तो डिफरेंस लगेगा, पेंट स्किन का अलग लगेगा और मास्क का अलग लगेगा, इसलिए दोनों को फिनिश अच्छे से फिनिश करना पड़ता है। ये पूरा पीछे तक पेंट करना पड़ता है, ये साइड पेंट हो चुका है, ये कर रहे हैं, उसके बाद स्किन पे आएगा। अभी स्टार्ट करे हुए हम लोगों को हो चुका है कम से कम 1 घंटा 1.25 घंटा स्टार्ट करे हुए हो चुका है, 1 घंटा 15 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका है अभी, और अभी भी कम से कम 40 से 45 मिनट का काम बाकी है ना। तो ये प्रोसीजर हमें, इस प्रोसीजर के थ्रू हमें रोज जाना पड़ता है, रोज जब जब शूट है सुबह हम लोग को आकर लेंस लगाकर बैठ जाना पड़ता है 2 घंटा। ये देखिए स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ी हुई है, ये मैं 4 बार पढ़ चुका हूँ 4 बार, और फिर से एक नज़र दौड़ लेता हूँ। ये हमारा 2 घंटे का बैठना है मास्क लगाकर, और मेहनत मेकअप दादा की, लाइन से याद हुई नहीं है लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ करने की। इसे बीच में थोड़ी सी चाय, ऐसे गेटअप में मैं एक बात बताना भूल गया आपको, अपने कैरेक्टर के बारे में बताना भूल गया, जो कि है व्योम। तो व्योम जो कैरेक्टर है आप देख ही रहे होंगे टेलीकास्ट में, कि हर समय वो दंश को नीचा दिखाना चाहता है, शुक्राचार्य के वो इम्प्रेस करना चाहता है बार बार, और हर बार मात खा जाता है। इससे ज्यादा मैं आपको कैरेक्टर के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजें रिवील नहीं हुई हैं। तो ये है कि ये कैरेक्टर की प्रिपरेशन के लिए मुझे ब्रीफ जो दिया गया था कि जो व्योम कैरेक्टर क्या है, जो व्योम का जो कैरेक्टर है
वो मुझे बोला गया था कि बहुत ही यू नो चालाक है, कनिंग है, शकुनी मामा है ये शो का, ऐसा कुछ बोला गया था। तो उसके प्रिपरेशन के लिए मैंने ये किया कि भाई डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं आप ऑफिस में जाते होंगे या फिर आपके ग्रुप में 5-6 लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, यू नो। तो वैसे ही कोई कैरेक्टर इन्होंने मुझे ब्रीफ किया था कि ये दंश से जलता है, क्योंकि शुक्राचार्य ने दंश को अपना खास आदमी मान लिया और इसको थोड़ा साइडलाइन कर दिया। तो ये दंश को हर समय नीचा दिखाना चाहता है ताकि शुक्राचार्य के आंखों में ये हो जाए कि ये मेन आदमी है शुक्राचार्य का, शुक्राचार्य इसको तवज्जुब दे। तो ऐसा कुछ कैरेक्टर है, तो उसके लिए प्रिपरेशन मुझे बस यही करनी पड़ी कि मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ा जो थोड़ा बहुत चिढ़ते हैं, जलते हैं, यू नो। तो वो चीज है इसके अंदर। तो वैसे कुछ कैरेक्टर है, आप देख रहे होंगे हर समय दंश को नीचा दिखाना चाह रहा है, उसका जो भी उसके प्लान होते हैं वो फेल करने की कोशिश करता रहता है। तो ये मोटा मोटा मेरा एक कैरेक्टर है व्योम का, हो सकता है आपको अच्छा लग रहा हो और आप देखिएगा। अब देखिए ऑलमोस्ट हाईलाइट कंप्लीट हो गया है, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ गया है गेटअप में। और अब फाइनल जो है वो लिप ज्यादा वो करना है। और जो आपने ये मास्क देखा है, इसको बनाने का भी एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं लाइव कास्ट। तो जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी एक्टर्स हैं, हम लोग अगर सबका अपना अपना एक साइज का मास्क है, क्योंकि ऐसा कोई रैंडम तैयार करके नहीं है, पर्टिकुलर सबके फेस के हिसाब से, सबके स्ट्रक्चर के हिसाब से एक मास्क बनाया। जैसे ये मेरा मास्क है तो ये मेरा पर्सनल मास्क है, ये कोई और नहीं पहन सकता, क्योंकि किसी का फेस बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो उसके लिए एक टेक्निक होती है लाइव कास्ट करके, जो कि हर एक्टर को गुजरना पड़ा उस टेक्निक से। आप यूट्यूब या गूगल पे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो लाइव कास्ट टेक्निक किसे कहते हैं, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और तो वो लाइव कास्ट के लिए हर एक्टर को जाना पड़ा। ये ऑलमोस्ट आंख का मेकअप पूरा हो चुका है, ये लास्ट फिनिशिंग दे रहे हैं दादा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉपर पेंट के साथ में लेंस और आई का क्या लुक आता है। ये सब हमारे प्रोड्यूसर्स और क्रिएटिव टीम ने सोचा है, पूरा 4-5 महीने की मेहनत लगी है पूरे गेटअप में। ये तो मेरे गेटअप है, इसके बाद एलियंस का गेटअप है, उसमें उन्होंने कितना सोचा होगा। दंश का गेटअप आपने देखा होगा, शुक्राचार्य का गेटअप देखा होगा। तो पूरा टीम वर्क करके उन्होंने ये एक प्रोडक्ट निकाला है, ये जो कि व्योम का एक लुक है। तो ये है, अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं व्योम के प्रॉपर गेटअप में। तो पूरा आई कवर हो चुका है, पेंट रेडी है, मास्क रेडी है, अब हाईलाइट स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तो फाइनली मैंने जैकेट पहन ली है और पूरा गेटअप रेडी है मेरा। अब जो बाकी है वो है शूज, और जो एलियन को कंप्लीट करेगा ग्लव्स। अब मैं डाल रहा हूँ शूज, जो कि एक और स्टेज व्योम में ट्रांसफॉर्म होने की। ये हो गए शूज और अब बचे ग्लव्स। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि ग्लव्स पहनने में कैसे होता है। ये भी सिलिकॉन का, जैसे ये मास्क बना हुआ है, ये भी सिलिकॉन के ग्लव्स हैं जो कि हाथ में यहां तक आते हैं, जिससे एलियन कंप्लीट हो जाएगा और मैं पूरा हो जाऊंगा ट्रांसफॉर्म व्योम में। तो ये देखिए, अब मुझे हार्ट डालना है इसमें, और ये मुझे पूरे 12 घंटे पहन के रखना पड़ता है। सिर्फ मैं एक टाइम खोल पाता हूँ, जो कि है लंच। लंच में मैं ये कर पाता हूँ, क्योंकि डालने में कम से कम मुझे ये पहनने में 5-10 मिनट लगता है, जो कि यू नो शूटिंग में बार बार निकाल नहीं सकता मैं इसको। तो एटलीस्ट सिर्फ एक बार लंच में निकालता हूं और सीधा पैकअप के टाइम लास्ट में। ये एक हाथ रेडी, अब दूसरे हाथ के ग्लव्स।
तो आप देख सकते हैं कि कितना एफर्ट है व्योम कैरेक्टर को निभाने में, मुझे इतना टाइम लग ही जाता है गेटअप में आने में, और पूरे दिन ये मुझे कॉस्ट्यूम को पहने ही रखना है। तो अब मैं रेडी हो गया हूँ व्योम में और जा रहा हूँ शॉट देने के लिए। चलिए मिलते हैं। और हाँ, एक और बात, देखना ना भूले हीरो गायब मोड ऑन सोनी सब पर मंडे टू फ्राइडे 8 बजे। ठीक है, बाय।